सर्वानंद पदातारम सर्वानंद विकासकम सर्वानंद वितारम चे श्री सर्वानंदम नमाम्यम श्री सर्वानंदम नमाम्यम ओम तेव त्रिगुण स्वरूपाय ओम निर्गुण निरूपणे तेव ब्रह्म विधानाय नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः जितने कण के रेत के उतने अवगुण जितने कण के रेत के उतने अवगुण में कहे तो गुरु बक्षले शरण पड़ाऊ तो शरण पड़ाऊ तो सतगुरु बुद्धि के नैन में दारे अंजन ज्ञान सतगुरु बुद्धि के नैन में दारे अंजन ज्ञान कहे ते उते ब्रह्म रे कहे ते उते ब्रह्म रे दिखलावे भगवान बहु प्राप्ति मानुक दरिया बहु प्राप्ति मानुक दरिया गोविंद मिलन की तेरी दरिया बहु प्राप्ति मानुक दरिया गोविंद मिलन की तेरी दरिया और प्याज तेरे कितने न का और काज तेरे कितने न का मेरे साधु संग तू बज के नामा मिल साधु संगत बज के बलना शरण कमल तेरे धोवे धोवे पीला सतगुर दीन दयाला चरण कमल सत्य गुर दीन दयाला मेरे योगी गुरु दीन दयाला सत्य गुर दीन दयाला मेरे चरण कमल तेरे धोवे धोवे पीला सतगुर दीन दयाला चरण कमल तेरे धोवे धोवे पीला सतगुर दीन दयाला मेरे योगी गुरु दीन दयाला सतगुरु दीन दयाला चरण कमल तेरे धोवे धोवे पीला सतगुरु दीन दयाला
संत समागम सब नहीं संत समागम सब नहीं सारन तो जगमा संत समागम सब नहीं सारन तो जगमा कहते उबरारी कृपा सत्संग मिलता कहते मेरी कृपा सत्संग मिलता ना मैं पाप कर्म को करता था जग जंगल माई विचरता था मैं पाप कर्म को करता था जग जंगल माई चरता था मैं पाप कर्म को करता था जग जंगल माई विचरता था मैं पाप कर्म को करता था जग जंगल माई जंगल माई विचरता जंगल
मोह ममत में मरता था नित्य मोह ममत मरता नित्य मोह ममत में मरता था नित्य गुरु सबसे मोए चुराए दिया गुरु सबसे इस मन में दोष अपारा था तूनी पाचो छोड़ प्यारा था इस मन में दोष अपारा था तूनी पाचो छोड़ इस मन में दोष अपारा था तूनी पाचो छोड़ प्यारा था इस मन में अपने को तन मानत था कहे देव और मानत था मैं अपने को तन मानत था कहे देव और मानत था मैं अपने को तन मानत था कहे देव और मानत था मैं अपने को तन मानत था आत्म को पछाड़ दो
पचानक कालेज आदम को गुरु आदम लाल लखाए दिया गुरु आदम लाल लखाए दिया मैं गोबत गुरु नाम सागर में मैं डूबत तरल कालेज गुरु नामों की नाव चढ़ाए दिया गुरु नामों की नाव चढ़ाए दिया मैं डूबत तरल सागर में मैं डूबत तरल कालेज गुरु नामों की नाव चढ़ाए दिया गुरु सागर सागर में मैं परम आदरणीय परम सिरदेव अर्चनीय वंदनीय आचार्य सदगुरु स्वामी टेवरा महाराज की छत्र छाया बैठी हुई प्यारी भागो वाली सात संगत सभी प्रेम से बोलिए सतनाम साखी भाव से बोलिए सतनाम साखी फिर भी बोलिए सतनाम साखी सतनाम साखी। सतगुरु की कृपा बिना मन मारा नहीं जाए टिंग मन मारे बिना शांति कब हो न आए। सतगुरु महाराज अपनी अमृतमय वाणी में हर मनुष्य को उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं अपनी अमृत वाणी में, अनुभव की वाणी में। कहते हैं महापुरुषों ने जो रवाणी रची है, महापुरुष जो कहते हैं लिखते हैं वो मनुष्य के उद्धार के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए जो भी कार्य करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बाबा जीवन में जब भी पानी पेड़ वायु ये हमेशा परोपकारी होती है जीवन में। सभी प्रेम से बोलिए सतनाम साखी भाव से बोलिए सतनाम साखी। पानी हमेशा नदी का पानी होता है वो हमेशा दूसरों के लिए सुखकारी होता है और वायु भी हमेशा सुखकारी होते है, पेड़ हमेशा फल देता है। वैसे ही महापुरुष होते हैं वो दूसरों के उद्धार के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए ही मनुष्य का उद्धार के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। सभी प्रेम से बोलिए सतनाम साखी कि मैं डूबत था भव सागर में गुरु नाम की नाव चढ़ाए दिया। जब संसार के सब सहारे, संसार की जब इंसान संसार में रहकर के संसार के कार्य करता है, संसार के बंधनों में संसार की बनी हुई परमात्मा की माया में वो उलझ जाता है तो अंत तक वो रास्ता ढूंढता है। जिस सुख को तुम चाहत हो वो सुख तुम्हारे अंदर माही, कहे टेहो गुरुदेव बिना कबो मिलत नहीं। कि जिस सुख को मनुष्य दिन रात संसारिक कार्य में प्रयत्न करता है कि संसार के जो कार्य करता है दिन रात भाग दौड़ दिन रात चलता है फिरता है, पर शांति के लिए वो हमेशा प्रयत्न करता है कि पर मन की शांति कब मिलती है। मन की शांति कहते ना बिन सत्संग विवेक न हो राम कृपा बन सुलभ न सोवे। कि बिन सत्संग विवेक न होवे, परमात्मा ने हर मनुष्य को विवेक दिया है। सही प्रेम से बोले सतनाम साखी भाव से बोले सतनाम साखी कि परमात्मा ने हर मनुष्य को विवेक दिया है, पर विवेक के अंदर जो कचरा भरा हुआ है मैल भरा हुआ है तो फिर कहा है ना गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने रामायण में रामचरित मानस में कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होवे राम कृपा बिन सुलभ न सो। बिना सत्संग की प्राप्ति से मनुष्य को विवेक नहीं मिलता है। विवेक तो है पर विवेक को जागृत कैसे करना है, कि विवेक को जागृत करने के लिए हमें सत्संग की
चाहिए। और सत्संग जब मिलेगा, जब संतों का जीवन में क्या होगा, संग होगा, संतों का संग। कि भगवान ने सबरी को नौदा भक्ति में से सबसे प्रथम भक्ति बताए कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि जब मनुष्य संतों की शरण में जाता है तो समझो उसका जीवन की प्रथम भक्ति चालू हो जाती है। कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कि मेरी कथा और मेरी सत्संग में रुचि डालना, प्रेम डालना, कि प्रेम से मेरी कथा को सुनना, प्रेम से मेरे भजन को करना, कि दूसरी भक्ति यह है। और भगवान ने रामचरितमानस में सबसे बड़ी भक्ति संतों की शरण में, कि संतों की शरण में जब मनुष्य जाता है तो देखो ना उसके जीवन का उद्धार कैसे होता है। अजामिल जैसा कि अजामिल पापी हत्यारा, अंत समय में राम उचारा, यम दूत गए हार, मेरे मन राम जपो, राम जपो मेरे मन सुख धाम जपो। कि अजामिल जैसे बड़े बड़े पापी, पतित पावन नाम कहते हैं ना भाई, पतित पावन जो पापों का हरण करता है वो परमात्मा का नाम है, पर उसके लिए ही संतों की शरण चाहिए। अगर मनुष्य को जीवन को, जीवन का उद्धार करना है, सब प्रेम से बोले सतनाम साखी, भाव से बोले सतनाम। अगर इस मनुष्यता की जन्म की कीमत कितनी बड़ी है, कि मनुष्य को कहते हैं ना कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने यह भी बताया है कि मूल चतुर्दश भवन को एक श्वास है तो, कि मूल चतुर्दश भवन को एक श्वास है तो ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी व्रथा न खोए। की लाखों कीमत अगर मनुष्य एक तरफ रख ले जीवन में, सही प्रेम से बोले सतनाम साखी, भाव से बोले सतनाम साखी, कि लाखों कीमत मनुष्य एक तरफ रख ले और एक तरफ परमात्मा के जो दीव है, अमोलक वस्तु श्वास जो अमोलक दी है, जीवन के जो श्वास दिए हैं, तो उन लाखों कीमत से ज्यादा श्वासों की कीमत बताई गई है जीवन में। ये बात याद रखना कि सबसे बड़ी श्वासों की मूल चतुर्दश भवन को एक श्वास है तो ऐसे धन रघुनाथ को, ऐसा धन जो इतना कीमती धन है जो परमात्मा का दिया हुआ अमोलक वस्तु है, तो ऐसे धन रघुनाथ को वृथा कभी न खोए। कि वृथा नहीं खोना है, उसको सार्थक कैसे करना है, मनुष्यता का आचरण कैसे सीखना है, मनुष्यता का आचरण जब सीखेंगे मनुष्य, जब मनुष्य को मनुष्यता का आचरण सीखना जब आएगा, जब मनुष्य चोले की वो कीमत की पहचान करेगा जीवन में, कि भाई प्राप्ति मानुक दरिया। गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई प्राप्ति, कई जन्मों से मनुष्य भटक भटक करके, कई जन्मों से मनुष्य पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम, बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु अवस्था में जाता है, कि कई जन्मों से भटक भटक करके भाई प्राप्ति मानुक दरिया, गोविंद मिलन की तेरी वरिया, कि गोविंद से मिलन की तेको जो वरिया मिली है, और काज तेरे किथे ही नकामा, जो संसार के कार्य कर रहा है वो तेरे जितने भी कार्य है जिससे तेरा मन कभी संतुष्ट नहीं होता है। कि एक कार्य कि संसार के जो कार्य है, परमात्मा ने कहा है कि जो कार्य है वो कभी खत्म नहीं होते हैं संसार के कार्य। सभी प्रेम से बोले सतनाम साखी, भई प्राप्ति मानुक दरिया, गोविंद मिलन की तेरी बरिया, और काज तेरे किथे ही नकामा, मिल साध संगत बज केवल नामा। कि साध संगत में आकर के हमको क्या करना है, परमात्मा का स्मरण करना है और मनुष्यता का आचरण सीखना है। मनुष्यता का आचरण ये नहीं है कि कुछ खाना कुछ पीना और न कोई चीत, कि कुछ खाना ये पीना मनुष्यता का आचरण नहीं है। मनुष्यता का आचरण है कि जब परमात्मा की प्राप्ति करना और परमात्मा से मिलन के लिए ही हमको मानुष जन्म मिलता है। ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें कई जन्मों से हमको ये मानुष शरीर मिला है। तो गुरु महाराज जी अपनी अमृत में वाणी बता रहे कि मैं डूबत था भव सागर में, कि संसार के मैं सागर में डूब रहा था, गुरु नाम की नाव चढ़ाए है दिया। जब संसार के सारे खत्म हो जाते हैं, जब संसार के सारे खत्म हो जाते हैं, तब इंसान गुरु की शरण में जाता है, तो गुरु उसे
रास्ता दिखाते हैं आगे मनुष्यता का, मनुष्य जन्म कैसे सफल करना है। पर मनुष्य कर्म तो करता है, पर कर्म में इंसान को स्वार्थ ही आ जाता है, स्वार्थ है। पर भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि कर्म ने वादी का रस्ते महाफलेशु कदाचन, महाफल हेतु भूमाते संगो अस्तत्व कर्मणि। तू अर्जुन कर्म कर, तेरा कर्म क्या है, युद्ध करना, कि कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा। सभी प्रेम से बोले सतनाम साखी, कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा ये मेरे हाथ में है। पर मनुष्य क्या करता है कि भी कर्म करता है, पर कर्म करने के बाद फल की इच्छा जरूर रखता है, तो वो फल, वो कर्म रहित हो जाता है। अगर कर्म करना है तो निष्काम कर्म करना है, निष्काम मतलब कि जिसमें कोई भी स्वार्थ जीवन में नहीं है। तो परमात्मा का स्मरण भी करना है जीवन में, तो किस कैसे करना है कि निष्काम होकर के परमात्मा का स्मरण करना है, और सत्संग में जाना है, उसके लिए भी जीवन में कोई स्वार्थ नहीं रखना है कि जीवन में हमको सत्संग जाएंगे हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये तो स्वार्थ एक चीज का रखना है कि भाई जीवन में हम सत्संग में जाएंगे तो हमें किसकी प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति होगी, वो तो अच्छा है, भगवत प्राप्ति जीवन में होगी तो वो तो अच्छा है। पर ये नहीं कि भाई हम सेवा कर रहे हैं, हमको स्वार्थ रखना है कि हमने सेवा की, थोड़ी कुछ समय के लिए सेवा की, पर हमको मन में स्वार्थ आ गया। मन में स्वार्थ क्या आ गया कि हमको कुछ मिल जाए, पर संतों के हाथ से प्रसाद मिल जाए, कुछ नहीं हमको संत प्रसाद दे, नहीं हम कुछ प्रसाद ले, कुछ खा ले, कुछ बिना पूछे उठा ले, तो ये नहीं। कि कर्म करना है तो क्या, निष्काम रहित होकर के कर्म करना है। कि भगवान ने ये भी कहा कि तीन अवस्था मनुष्य को प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो तत्त्वम दर्शनम दुर्लभम सहजावस्था सतगुरु करुणा विना। कि दुर्लभो विषय त्यागो, एक तो विषय भोगों का त्याग, दुर्लभम सहजावस्था दुर्लभम तत्त्वम दर्शनम, दुर्लभ की आत्मा का दर्शन हो जाए जीवन में, उस परम प्राप्ति हो जाए सहजा अवस्था, उस अवस्था तक पहुंचना, और तत्त्वम दर्शनम दुर्लभो विषय त्यागो, जो संसार के विषय भोग हैं, खाना पीना, संसार में जो भी चल रहा है सब विषय विकार है, कि काम क्रोध लोभ अहंकार। पर कैसे, भगवान ने यह भी जरूर बताया कि सतगुरु की, सतगुरु करुणा बिना, कि सतगुरु की कृपा बिना मन मारा नहीं जाए, टेहो मन मारे बिना शांति कबहो न आए। कि टेहो मन मारे बिना, कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। की मन की इच्छाओं को मारना ही सबसे बड़ी प्राप्ति है। इंसान सब कुछ कर लेता है जीवन में, मनुष्य क्या सब कुछ कर लेता है, पर मन की तरंग नहीं मरती। मन को वश में करना स्थित प्रगस्य, कि भगवान ने कहा है कि भाई स्थित होना चाहिए मन, स्थित कि नहीं राग नहीं द्वेष होना चाहिए, समानता का भाव होना चाहिए। कि भगवान ने वो बताया कि मोहे सब जग देखा मोते अधिक संत करो लेखा, कि मोहे सब जग देखा, कि मुझ में तको सब जग देखना है, कि तू भगवान में मनुष्य को हर इंसान के अंदर छल कपट नहीं, किसी के प्रति भी छल कपट नहीं रखना है, किसी के प्रति भी राग द्वेष नहीं रखना है। मोते अधिक संत कर लेखा, कि मुझसे अधिक संतों की शरण में जा और संतों की भजन कर, संतों की सेवा कर, पर सेवा कर निष्काम रहित होकर के जीवन में सेवा कर। कि परमात्मा ने कहा ना कि भाई सबरी ने देखो प्रेम किया, पर प्रेम में परमात्मा ने देखा ना कि प्रेम ऐसी चीज है, अगर प्रेम हम संसार से करते हैं एक परमात्मा से करते हैं, एक तो हम संसार से प्रेम करते हैं तो प्रेम तो हम कर लेते हैं, पर संसार से प्रेम करते हो प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम किससे किया जाता है, परमात्मा से किया जाता है। कि प्रेम प्रभु से कर ले प्यारे, प्रेम प्रभु से कर ले प्यारे, छोड़ जगत के पुरने सारे, छोड़ जगत के पुरने सारे, प्रेम प्रभु से कर ले प्यारे, प्रेम प्रभु से कर ले प्यारे, प्रेम प्रभु से सबरी कीना, प्रेम प्रभु से सबरी।
रघुवरता तो दर्शन दीना दर्शन दीना सरवर सिंह के छोड़ द्वारे प्रेम प्रभु से कर ले प्यारे प्रेम प्रभु से कर ले प्यारे ओ छोड़ जगत के पुरने सारे छोड़ जगत के पुरने सारे प्रेम प्रभु से कर ले प्यारे प्रेम प्रभु से कर ले प्यारे छोड़ जगत के पुरने सारे छोड़ जगत के पुरने सारे प्रेम प्रभु से कर ले प्यारे प्रेम प्रभु से कर ले प्यारे की प्रेम प्रभु से सबरी किना रघुवरता को दर्शन देना सरवर सिंह के छोड़ द्वारे की भगवान सब डर छोड़ करके पहले सबरी के पास गया कि क्यों उसका प्रेम अटूट था उसका विश्वास जो था ना वो अटूट विश्वास था कि भगवान सबरी सिंह के द्वारे छोड़ करके पहले सबरी के पास गया इस कारण गया कि प्रेम प्रभु से कर ले प्यारे छोड़ जगत के पूर्ण सारे के संसार के जो पूर्ण है वो त्याग करके एक परमात्मा से प्रेम करना और अपने जो आत्मा का और परमात्मा से मिलन करना ही मनुष्यता का जन्म मनुष्य जन्म का समय यही है कि मनुष्य जन्म में हमको ये प्राप्त करना है कि आगे जो परमात्मा ने हमको जीवन दिया है तो आगे की नहीं सोच करके जो प्रजेक्ट में वर्तमान में जो समय चल रहा है उस समय को हमें किसी ने किस रूप से सार्थक करना है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम अमरापुर के सुंदर श्याम रे सतगुरु स्वामी देव राम अमरापुर के सुंदर श्याम सतगुरु स्वामी देव ज्ञान गुरु गोविंद हरे मेरे सतगुरु सर्वा नंद हरे ज्ञान गुरु गोविंद हरे मेरे सतगुरु सर्वा नंद हरे ओसा किसी किसी सत चित आनंद किसी वो सतर काशी गुरु कवंतर जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे जगन्नाथ हरे भक्त जनों के संकट जनों के संकट में दूर करे फल पावे दुख मिन से मन कापति दरियानंद हरे आस मिटे तन का हरे मात पिता तुम मेरे शरण पर मैं किस की हम शरण पर मैं किस की तुम बिन और न दो हास कर करुणा के सागर तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी अंतर्यामी
परमेश्वर पर ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूरख गल स्वामी सेवक तुम स्वामी का करता एक अगोचर सबके प्राण पति सर बंधु हरता तुम मेरे अपने हाथ बनाओ हमर करम लगाओ और करम तेरे श्रीमानंद स्वामी अहत हरि हर स्वामी मन वाचित फल पावे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे साखी सतना स्वामी मंत्र साखी सतना सर्व सनातन के प्रचार सर्व सनातन के प्रचार कण पुनरा मंडली कर पालन देव करे स्वामी पावन देव करे आपाया सब तम दर सुखाया हरियाता करे सोम जय गुरे राम गुरण अचल समाधि तेरी सिद्ध आसन राज सिद्ध आसन राज मनोहर सुंदर लोचन मनोहर सुंदर लोचन कट मन राजे तम सब वचन के पूरे योगी हमारे
रजदारी परम उदारी रजदारी परम गति स्वामी धन तव साध पुराण कह देश जहाँ तुम जन मन वह देश जहाँ तुम जन तब सुबस्तुरते राम सुन जल हरि तुम्हारे अंत न पाए सके नर तुरे न पाए सके नर तुरी पुरम परे जन तुमरे आरत गावे पार सोते साध संगत को हर दम दीजे हर वचनति को रीजे रण गुरबती गुरते जय गुरते राम स्वामी जय गुरते प्रकारी जगत जय गुर सर्वानंद स्वामी जय गुर सर्वानंद करम करम का दे उपदेश करम का दे दाता दीन दयालु सबके हितकारी सबके हितकारी शारदानित गुण गावे नारद शारदानित गुण गावे जटाधारी स्वामी सिर पे जटाधारी हर कमल में लाठी सोहे हर कमल में लाठी सोहे नर नारी अपने गुरु के नित वचनों को हर घर पहुँचाया घर पहुँचाया भोले भक्त के दास धनों को भोले भक्त के दीन धनों को मार्ग लाया अगम उदारण कष्ट निवार कष्ट अगम जल तारण पार उतारण जल तारण पार उतारण कारण देदारी भयवन करके पापे बलाई सोहम शब्द का मंत्र देव कर ज्योति दुख लाई चर अमरोच अविनाश हम
बच के जाता बड़ में तुम सर्वियाण गुरुदाता में गुण सर्वान भारी हमारा पुरवासी स्वामी हमारा पुरवासी शरण तुम्हार जो चलवावे शरण आपकी जो नरवावे आवे सुख राशि जय गुरु भगवान को ये राम की कृपा पाकर बात बढ़ा गुरु बात बन गुरु बात का किया तुर चा गुरु सन चोरण पुर के पूरे आरती जो जो नर गाव पाप ताप संताप मुतापर पूरण पद पावे गुण सर्वान जय गुरु सर्वान जय गुरु सर्वान करम का देश करम कर देते अमृत जय गुरु सर्व स्वरूपम आजयन तम गोविंद तम गोबान से अगरबती भगवान की जय आसवंदी गुरु तो दरियाई तुज बिन टोर न काईरा आसवंदी गुरु तो दरियाई तुज बिन टोर न काईरा तुम्हारी दाता तुम्हारी माता मेरी आस पुजारीरा तुम्हारी दाता तुम्हारी माता मेरी आस पुजारीरा पाए पलों में तेरे प्यासी आयस ने कबीरा स्वागत नाम सुनेरा नाम तुम्हारा सब कर सात सवेरा कहते हो करती नहीं आवागम न मिटाईरा स्वामी गुरलोकतीन में आवागमन मिटाईराम पक्ष वसनातन धर्म की श्री राम कृष्ण भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री शंकर भगवान की राम राज की सदगुरु सर्वानंद महाराज की सदगुरु शांत विकास महाराज की सदगुरु हरदास राम महाराज की जय श्री गुरुदेव भगवान की।
गंगा मैया की जय, माता की जय, राम दरबार धर्म की जय, अधर्म का खिलाड़ियों में कृष्ण का राम प्रेम का हर रंग हर माने लाल सभी चले लाल बेड़ा ही पर अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस
कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, श्री सद्गुरुदेव महाराज जय जय राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते बन जाऊं तेरी प्यारी, तुझे प्यार करते करते जीवन बिताया सारा इंतजार करते करते सारा इंतजार करते करते